ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। देखिए, जिस तरह से जनता की रुझान रही है हरियाणा के अंदर, उसके बाद आज जो काउंटिंग में सुबह की रुझान रही है, अभी जो रुझान देखी जा रही है, ये अलग अलग रुझान सबको देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से सभी लोग जो ग्राउंड की रिपोर्ट को जानते हैं, सभी लोगों को फाइनल रिजल्ट का इंतजार है और मुझे लगता है कि फाइनल रिजल्ट देखने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि हरियाणा के लोग फाइनली सरकार किसको बनाने का जनादेश दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की भूमिका में नजर आई, आप लोग लगातार कोशिश करते रहे कि गठबंधन हो जाए और कई ऐसी सीटें हैं जहां पे वहां पे जो मार्जिन है वो अगर कांग्रेस पार्टी के साथ भी होता तो कांग्रेस की अच्छी वहां पे स्थिति होती, जो बीजेपी के पास अभी जा रहा है, तो आपको लगता है कि गठबंधन न होना कहीं ना कहीं परिणाम का भी कारण? देखिए, जैसा मैंने कहा कि चूंकि गठबंधन की बातचीत हुई थी और ऐसा उम्मीद लग रही थी गठबंधन हो जाएगा दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन फाइनली गठबंधन नहीं हुआ। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, एक बार सभी सीटों का रिजल्ट आने के बाद किस सीट पर किस पार्टी को कितना वोट मिला, उसका टोटल एनालिसिस करके ही एक संपूर्ण रूप से जो है हम इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि किन वजहों से और जो हरियाणा का परिणाम आया है उसकी क्या क्या कारण रहे। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों हमने सुना अरविंद केजरीवाल का भी कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार नहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी वहां पे अभी भी जो आंकड़े दिख रही है कि सरकार में आ रही है, आपको क्या लगता है खामियां कहां पे रह गई है? जैसा मैंने कहा ना कि देखिए, आंकड़े सुबह के अलग थे, अभी अलग हैं। अभी कई जगहों पर ये दिख रहा है कि काफी क्लोज फाइट चल रही है, तो जब क्लोज फाइट होती है वो फाइनली परिणाम किधर जाएगा, मेरे ख्याल से अभी उसके बारे में निर्णय ले लेना, निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ा जल्दबाजी होगा। आपकी पूर्व नेता स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी का एजेंट कहते थे, लेकिन आज दिख रहा है कि गठबंधन न करके और बीजेपी वहां पे जीत रही है। मेरे ख्याल से अभी पूरे हरियाणा के लोगों का भविष्य जो है वो काउंटिंग में लगा हुआ है, तो अभी सबका दिमाग उधर है, एक बार परिणाम आने के बाद फिर बात करते हैं। हरियाणा से खबर अच्छी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के डोडा में आम आदमी पार्टी जो उम्मीदवार जीत रहे हैं, 4500 से ज्यादा का मार्जिन हो गया, एक राउंड की बचे मतलब 20 लोग जीत रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात के बाद पांचवां राज्य जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है जहां पर आम आदमी पार्टी का विधायक होगा। हमें उम्मीद है कि फाइनल परिणाम भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा।